भाई छोटे एक लेके आ रहे हैं। हाँ सोडा मिलाना। अरे मेरी चाल है ये मेरी नहीं नहीं सॉफ्ट ड्रिंक है। हाँ डाले मैं जीत गया। अरे एक ग्लास और ले। अरे छोटे किधर है मेरा ग्लास? ठीक है भाई चल बाहर। हाँ तो बोल रहे इधर आ रहे। तुम्हें रिपोर्टर महेंद्र प्रसाद होना? जी हाँ। बैठो। क्या ये है? इस गांव को संभालने वाले कन्नन जी के बारे में ये सब क्या लिखा है? ए, रिपोर्टर है तो कुछ भी लिखेगा क्या तू? मैंने क्या गलत लिख दिया? कन्नन जी अपने एमएलए के साथ मिलकर क्या क्या करते हैं मुझे सब कुछ पता है, वही तो लिखा है मैंने। सुन छोटे, हमने कोई गलत काम नहीं किया समझा? बिरादरी में एक दूसरे की मदद करने में कोई बुराई नहीं है। अगले हफ्ते पेपर में छाप देना कि जो लिखा था सब गलत है और कनन जी से माफी मांग लेना। क्या रे, एक ही बिरादरी का होकर अपनी ही बिरादरी वाले को फंसा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तुम जिस बिरादरी में पैदा हुए हो उसी बिरादरी का मैं भी हूँ, इसी बात की शर्म आती है। मर जा साले, हमारी बिरादरी में पैदा होकर हमारे खिलाफ काम करता है। तुम सब लोग क्या देख रहे हो? अरे बाइक पर जाते हुए एक्सीडेंट हो गया ऐसा लिखकर इसे फेंक दो। अरे चलो चलो देखो ये रथ यहाँ कैसे आ गया। अरे क्यों तो हमें दर्शन दिए हैं? अरे माता हमारे पास से मार डालूंगा इन सबको। वो क्या है ना, इलेक्शन आ रहे ना, इन सब के वोट ही काम आएंगे, थोड़ा सोच समझ कर। मेरी बात तुम लोग सब ध्यान से सुनो, जिस किसी ने भी देवी का रथ यहाँ लाया है वो चुपचाप सामने आ जाए वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। देखो अगर हमने पता लगा लिया तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सामने आ जाओ। अरे साले रुक, कहाँ भाग रही थी ना? रितो भाई बता। भाई जी वो कौन है? वो एंथनी दास है। ए, कौन है एंथनी दास है? दास, हम जो देवी का रथ लाए थे ये बात उन्हें पता चल गई है। बाप रे इतनी भीड़, जरा हटिए हटिए। नमस्ते भाई जी। अच्छा तो तू ही है दास? क्या भाई भूल गए क्या? आप ही ने तो भाई जी के कहने पर मुझे सीट दिलवाई थी। अच्छा तो तुम ही यहाँ रथ लाए हो? हाँ भाई जी। तुम इस रथ को यहाँ क्यों लाए हो? क्या है ना भाई कि सुना था कि 100 लोग इस रथ को खींच कर ला सकते हैं, मैंने कहा हम जैसे 4 बच्चे लोग भी खींच कर ला सकते हैं तो खींचे और आ गए। जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है, हम लोगों ने ये सब झगड़ा फसाद करने के लिए या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया। अपना पीटर है ना, उसका छोटा भाई है ये। ए, जाओ रे पीटर को उठा कर लेकर आओ। ए, ज्यादा आवाज मत कर। जब रथ खींच कर लाया तो क्या पीकर सो रहा था तू? बेकार में चिल्ला रहा है, तुमसे गलती हुई है कि नहीं? हाँ भाई गलती तो हुई है। अपने भाई से पूछ, जब 20 साल पहले यहाँ आया था तो क्या हालत थी उसकी, जाके पूछ उससे। ईपी कंपनी में काम करता है ना वो? हाँ भाई जी। वो नौकरी मैंने ही उसे दिलाई है, जानता है तू? ठीक है भाई जी। पीटर का भाई है तू इसलिए चुप हूँ मैं। अब सुन, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? ठीक है भाई जी। ए, हल्दी के पानी से रथ को धोकर मंदिर में ले आओ। दास भैया। थैंक्स। पापा पापा चलो ना खेलते हैं। पापा काम कर रहे हैं ना बेटा, जिद नहीं करते। चलो ना पापा। अरे भैया ये संडे सुबह सुबह क्या कर रहे हो? ओ चाचा आ जाओ इधर। होमवर्क किया? आज छुट्टी है। खाना खाया? बैठो बैठो। कितनी इडली खाई तुमने? 2 इडली खाई। सुन पापा गुस्से में है क्या? पता नहीं।
बाहर का काम हो गया? कौन सा बाहर का काम? वही रथ खींचने का और सबको टेंशन देने का। देख क्या रहा है, मुझे सब कुछ पता है। क्या पता है? रथ लेकर आया ये मालूम है, वापस जाके छोड़ के आया ये पता नहीं है क्या? हाँ, खाना खाओ। जो तुम कर रहे हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? मैं ऑमलेट खा रहा हूँ, ये तुम्हें पसंद नहीं है? कैसे बड़े भाई हो तुम, कभी तो प्यार से बात किया करो। ए, जिंदगी तुम्हारे लिए खेल है क्या, कोई तमाशा है? ऐश कर रहे हो बस। मैं तो ऐसे ही जीने वाला हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा। नहीं सुधरेगा। मेरी बात सुनो बेटा, तुम कॉलेज जाके बिल्कुल भी शरारत मत करना। हाँ हाँ चाची, कॉलेज जाने में देर हो रही है। सुनो, जाते हुए पिताजी से मिलके जाना, वो बस आते ही होंगे, नहीं मिलोगे तो गुस्सा हो जाएंगे। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे कॉलेज जाने तक आ ही जाएंगे। राजेश्वरी ने खाना खाया? हाँ हाँ, उसने खाना खा लिया। पापा जल्दी में हो, लगता है कॉलेज के लिए देर हो गई। ठीक है, आरती लेकर जाओ। ठीक है बिटिया। ऐसे क्या घूर रही है? मेरे लिए तो पिताजी ही भगवान है, चलती हूँ। हाँ। अच्छा चाची, चलती हूँ। कैसा है? हाँ, कॉलेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन लड़की के लिए दूल्हा कैसा होगा? थोड़ा सबर करो। अरे भाई पूछ रहे, थोड़ा जल्दी बताइए ना। अरे मैंने दूल्हे को देखा है, जरा नजदीक आओ। कैसा है भाई? रंग थोड़ा काला है, लेकिन लड़का अच्छा है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। भाई वैसे ये लड़का पढ़ा लिखा कितना है? मैं हूँ राजा, इस कॉलेज का धूम मचाते रहता हूँ, सभी यहाँ पर कहते हैं कि मैं बहुत प्यारा हूँ। बहुत पढ़ा लिखा है। हा? कितने लोगों को पढ़ाया? अच्छा, और हा? कितनों को पढ़ाएगा इसका पता ही नहीं है। सच बोल रहे हो क्या? हाँ, तेरे टकले की कसम, पूरा का पूरा कॉलेज उसकी जेब में है, कोई भी काम वो झटपट कर देता है। तुमको दूल्हा देखना है ना? हाँ, वो रहा दूल्हा। अच्छा, 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 अच्छा। अरे मस्त है। ये इसकी तुमने इतनी तारीफ की? नहीं, वो साले अंधेरे का भी दिखता था साले। अरे मेरी बात सुनो, बोलो क्या भाई, मैं छोडूंगा नहीं। मैं क्यों इसके सवाल में उसको देखता हूं, देखता हूं उसको। ए तू चुप बैठ, रुक जा भैया। अरे बाप रे, गुस्सा तो थूक दिया ना, तो अब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ। ठीक है, मैं ही जाता हूँ, रहूंगा तो थूकते रहेगा। आई लाइक यू। थैंक्स, आई लव यू। आई किल यू। ये सब नहीं होना चाहिए, समझे? ये वार्निंग सिर्फ तुम दोनों के लिए नहीं है, समझे? इस कॉलेज में पढ़ने वाले हर लड़का और लड़की के लिए है, ओके? चलो निकलो, निकलो, गो। पुनीता, ए पुनीता, क्या है ये? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? अरे कहा ना कुछ नहीं। अरे मुझे वापस दो। अरे वो मेरी चीज है ना। मुझे दो। अरे रुक जाओ। अरे? Ah!
कहाँ भाग रही हो? छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। लाओ मुझे दो। नहीं दूंगी, ये मेरी चीज है। ए, ये मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें नहीं लेनी चाहिए। छोड़ो, जाने दो मुझे। ए? देखो। अभी देखना, ये इसे देखेगी और वो उसे देखेगा, देखते ही देखते इनकी सुबह हो जाएगी। माला एक किस दो ना। ए, 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 क्या कर रहे हो? तू इसको किस कर रहा था ना? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ए, मैंने पूछा तू इसे किस कर रहा था ना? छोटा सा चुम्मा तो लिया सर। छोटा? हाँ, ये तो कल वाले से बड़ा है। ए, तुम्हारा नंबर दो। 36, 24, 36। मैंने तुम्हारा फिगर नहीं पूछा, समझी? तुम्हारे डैडी का नंबर दो। अरे यही तो नंबर है सर। तो बोलना चाहिए था ना फोन नंबर है। हेलो, आप माला के पिताजी है ना? आपकी बेटी को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है, उसे जाके किसी कुएं में ढकेल देना। अरे अरे सुनो, इतनी सी बात के लिए सस्पेंड क्यों कर रहे हो? कल रोज दे रहे थे और आज चुम्मा ले रहे हैं एक दूसरे का। अरे तो क्या हुआ, छोटी मोटी बात है। अगर ये लड़की बिन ब्याही माँ बन गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, बताओ? अरे आप है ना, जबान संभाल के बात करना, समझे? कुछ पता नहीं और बीच में आके टपक पड़ा। चलो निकलो निकलो, तुम्हारी तो कहां कहां से आ जाते हैं। ऐसे लोगों को तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए। यहाँ पढ़ने आते हैं कि एक दूसरे को किस करने आते हैं, पता नहीं। लगता है मुझे भी किस करके देखना, लगता है मुझे भी एक बार ट्राई करना होगा। एक बार कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, बस ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही बार करूंगा। अरे अरे यार, काम वाली तो है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, बस घूमने आया हूँ थोड़ा। घूमने यहाँ आए? बाथरूम में कोई घूमने आता है क्या? हाथ हटाओ। क्यों, तुम रखने वाली हो क्या? अच्छा हाथ रखो, उसी के लिए तो आया हूँ जान। अच्छा आंखें बंद करो, आंखें बंद करो ना। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अगली बार नहीं होगा। मैं तुम्हारी पगार बढ़वा दूंगा, टेंशन मत लो, मुझे जाने दो। और ये बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। क्या समझ के रखा है, मुझसे बदतमीजी कर रहा है? पड़ी। अरे यार, अरे ये कहां से आ गया? लगता है फिर से वही जाना पड़ेगा। अरे मैं क्या करूं, पता नहीं चला। अरे नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे, अरे 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 बाप रे, ये तो यही सो गया, अब मैं क्या करूं? तू अभी तक इधर ही? अरे ये ले। ये ले।
हाँ ठीक से काम कर रही है ना, हाँ वरना पगार नहीं मिलेगी इस महीने की, समझी ना। हाँ चलो जाओ, हाँ जाओ। अरे ये तो सो गया, सुमड़ी में निकल लेता हूँ, बहुत मारा यार। अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा था? कुछ नहीं। टोटल 48। क्या 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 फटके? अरे तू यहाँ से गिन रहा था क्या? क्या करूँ, फ्री था ना, ऐसी हरकत वो भी काम वाले के साथ एक बाथरूम में। कॉलेज एक मंदिर है, यहाँ प्यार व्यार नहीं करना चाहिए, यही बोले फिरते हाँ, थे ना। यही बात मैंने कही थी, लेकिन किसने मानी? जिसे देखो बस रास्ते पे किस ही करते जा रहे हैं। ये देखकर मेरा पैर फिसल गया और पहुंच गया बाथरूम में। अब इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा है हाँ। फिर तो ये बात सबको बता देनी चाहिए। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना, ये बात किसी को मत बोलना, मतलब छुपा कर। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। पक्का करोगे? ठीक है बोल उठो, बस इतने से ही। अब फॉलो मी। कहाँ? चलिए चलिए, आप चलिए ना। चलो चलो चलो। दे 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 दे। अरे शिवम को पास करना। हाँ हाँ। इधर इधर इधर। यार यार। पास कर पास कर। इधर पे। हाँ। यार यार इधर पास कर ले। कम कम तेजी से। पास कर पास कर। ओह बहुत बढ़िया। यहाँ। हाँ इस तरफ यार। पास कर दे। पास कर दे। यार पास कर दे। क्या करा कवर कर दे। हाँ हाँ। ना सही है सही। दास जी सर, पहली बार अपना कॉलेज डिस्ट्रिक्ट फाइनल में आया है, मुझे तुम पर बड़ा भरोसा है, तुम्हें ये जीत दिलानी है हमें। सर सिर्फ मैं ही नहीं, देखना हम सब लोग मिलकर इस मैच को जरूर जीतेंगे। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ दास, पीजी टीम वालों के बारे में तुम्हें पता नहीं है, पूरे गुंडे हैं, मैच जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए। बॉस सुरेश द ग्रेट पीजी टीम कैप्टन, कल का मैच हम ही जीतने वाले हैं, इसीलिए हम लोग पार्टी मनाने जा रहे हैं, बस इसीलिए तुम्हें चीयर्स बोलने आए हैं। देखो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। ठीक है भाई ठीक है, जाते हैं हम लोग। बस एक छोटा सा सवाल था, इतनी रात को चांद की रोशनी में प्रैक्टिस कर रहे हो, कल सुबह तुम्हें सूरज की रोशनी में बॉल तो दिखाई देगा ना? बस इतना ही पूछना था। ले पकड़। बॉस मैं दास, द ग्रेट राजेश्वरी टीम कैप्टन। क्यों क्या आप बहुत फास्ट हैं, इसलिए जीतने से पहले पार्टी मना रहे हैं हा? लेकिन मैच तो हम लोग जीतने वाले हैं, इसलिए हम जीत की पार्टी बाद में मनाएंगे, तुम लोग आना जरूर। हाँ चलो अब निकलो। ए, तू जानता नहीं हम लोग कौन है हा? पता चलेगा तुझे। चलो रे। चलो बे, कल मिलते हैं। देखा दास, मैंने कहा था ना। अरे छोड़िए सर, हम लोग इन्हें मैच में देख लेंगे। चलो 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 प्रैक्टिस करो, चलो चलो आ जाओ। अरे नसीर कैसा है तू यार, क्या बात है दोस्त। मैं तो डंडे देख के डर ही गया, आखिर ये माजरा क्या है? वो एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, वो सब छोड़ना। फ्रेंड्स ये नसीर है, हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से साथ में पढ़ रहे हैं, बचपन के दोस्त हैं। जिगरी दोस्त। और मैं? क्या बात है, अचानक कैसे आना हुआ यहाँ पे? मेरा निकाह पक्का हो गया। क्या बात कर रहा है? चीयर्स। ये चाय में थोड़ा चीनी कम रखना। अचानक शादी का ख्याल कैसे आया? ओ क्यों, लव है क्या? लव हाँ, अब्बा ने बुलाया, बोले ये रही लड़की, ये है निकाह की तारीख, अब जा सबको दावत दे के आ जा। और मैं आ गया तुम लोगों के पास। सुनो निकाह से एक दिन पहले तुम लोगों को आना ही होगा। हाँ अरे हम लोग नहीं आएंगे तो शादी होगी क्या? ए, सुन इसको लाने की तेरी जिम्मेदारी है, और इसे लाने की तेरी जिम्मेदारी, ठीक है? दोनों टाइम से आ जाना। ओके डन 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 डन। चलो गगन जी भी आ गए। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ। हाँ ठीक है, ये मेरी बेटी राजेश्वरी है। नमस्ते। ये मेरे भाई की बेटी पुनीता। नमस्ते बेटी। बेटी तुम लोग जाओ। ठीक है हाँ जाओ। चलो दास कहाँ जा रहा है, मैच शुरू होने वाला है, कहाँ जा रहा है? दास अरे अभी आया, क्या बात है, अभी मैच स्टार्ट होने वाला है। मेरी बात तो सुनो, ये लो इसे लगा लो। अब ये क्या है? हमारी टीम जीत जाए इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की, लगा लो ना। ठीक है तुम ही लगा दो।
अरे अरे क्या हो गया? हाँ रगड़ो मत, कुछ नहीं, कुछ नहीं, रहने दो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने ही वाली है। राजेश्वरी कॉलेज की टीम और पीजी टीम में खेल अब जारी होगा। राजेश्वरी कॉलेज की टीम के कैप्टन है एंथनी दास और पीजी कॉलेज की टीम के कैप्टन है सुरेश चंद्रा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों टीम मैदान पर बस पहुंचने वाले हैं अपने फैंस के बीचों बीच और अब खेल की देर में शुरू हो रही है। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ, थैंक यू सर। गुना, तुम ये मैच नहीं खेल सकते। सर ए, क्या हुआ? वहां देखो बॉयज, तुम लोग चलो। क्या हुआ सर, गुना मैच क्यों नहीं खेल सकते? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बॉयज चलो, पहले बताइए प्रॉब्लम क्या, फिर यहां से जाऊंगा। चलो तुम लोग। वो नहीं खेल सकता दास, खेल नहीं सकता या खिलाना नहीं चाहता। बताऊंगा तो तुम समझ नहीं सकोगे। ठीक है, कर लो अपनी मनमानी, लेकिन मैं मैच नहीं खेलूंगा। दास, दास, दास तुम मैच मेरी वजह से क्यों छोड़ रहे हो? दोस्तों एक विशेष सूचना, राजेश्वरी कॉलेज के कैप्टन एंथनी दास नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह एक दूसरे खिलाड़ी सेल्व कुमार कैप्टन नियुक्त किए गए हैं। ए, तू कब कैप्टन बन गया बे? कहाँ है वो दास, डर गया क्या? दोस्तों खेल अब शुरू ही होने वाला है। बॉल रिंग में पहुंच चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं इस किक के साथ मैच शुरू। राजेश्वरी कॉलेज बॉल आगे लेके जा रहे हैं लेकिन नहीं, आगे लेके जा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, साहब सब ठीक है ना? और इसके साथ पीजी वाले आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बॉल को मॉन कमांड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पास आउट पास से कितनी देर पास किया और फिर वो लोग राइट आउट से बढ़ते हुए सेंटर फॉरवर्ड के लिए सेंटर फॉरवर्ड बॉल लेके उन्होंने पास कर दिया है और उसके बाद राइट आउट से बॉल अब फिर से आगे जा रहा है इस आगे बढ़ते हुए गोल की तरफ लेकिन चार प्लेयर ने खेल लिया है राजेश्वरी कॉलेज की टीम तो हारने वाली। अरे कनन जी, कनन जी क्या, जब मुझे बुलाया तो उसे नहीं बुलाना चाहिए था, इतनी स्मार्ट नहीं है। जीजा है ना? छोड़ो जीजा वीजा, जिस दिन मेरी बहन उसके घर में मर गई उस दिन से मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ इसी एक रिश्तेदारी की वजह से वो अभी तक इस गांव में जिंदा है और उसे बुलाकर सर पे चढ़ा रहे हो, मजाक बना लिया है। और ये आगे बढ़ रहे हैं पीछे के लड़का लेके बॉल, बॉल लेते हुए पीछे का प्लेयर आगे बढ़ रहा है और इनको बहुत टेंशन है और इन्होंने एक गोल स्कोर कर दिया है। ये पीछे का गोल, एक और गोल मार दिया और इसी के साथ उनकी पकड़ और मजबूत हो गई है।
वांट एंथनी दास। ये वी वांट एंथनी दास। 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 सारी भीड़ एंथनी दास का नाम ले रही है। वो लोग एंथनी दास बुला रहे हैं। ऐसी दीवार से पहले कभी नहीं हुई है। आओ चल के खेलो। देख क्या रहे हो? कुछ सोचो मत। चलो खेलो। सब लोग मिलकर एक आवाज में बुला रहे हैं ताकि वो अपने हीरो को मैदान में देख सके, ताकि वो उनकी टीम को जिता सके। राजेश्वरी कॉलेज के कैप्टन एंथनी दास, आप ग्राउंड में आ पहुंचे हैं और बॉल को लेकर सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं। बॉल को पास किया है आगे। यहां पे आगे पास कर इस तरफ याला याला अरे ये ले अरे ये ले चल 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 जल्दी याद याद दास दास चल कोई बॉल चल ए इधर से जा। अबे क्या कर रहा है यार? और ये कॉलेज सिर्फ एक गोल से पीछे है। जी हाँ, सिर्फ एक गोल से पीछे है राजेश्वरी कॉलेज। जैसा कि आप देख रहे हैं और चल चल जल्दी चल या चल जल्दी आगे बोलो ने देना है। चल पास कर जल्दी चल आ चल पास कर पास कर या या खेल ले कर यार चल जल्दी चल उसे पास कर दिया नेक्स्ट के बीच भाई चल जल्दी चले या भी आगे दास दास चल घेर ले चल किया है बॉल को। बॉल को स्लिप करते हुए उन्होंने उसे हेड चेस किया। बॉल को उन्होंने चेस किया के बाद हेड करते हुए आगे बढ़ रहे वक्त बाकी है और कैप्टन अब तक उठ नहीं पाए हैं। ये हमें दिख रहा है कि कैप्टन आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, क्या राजेश्वरी टीम ये कप ले जाएगी या फिर ये कप पीजी टीम को मिलेगा।
और इसके साथ ही रोमांचक मैच खत्म होता है। राजेश्वरी टीम जीत चुकी है। तेरी बेटी इतनी बेशर्म कब से हो गई? हाँ, उस लड़के से छिपाकर उसके माथे पर टीका लगा रही थी वो। क्या यही सिखाया तूने? इस जगह मेरी बेटी राजेश्वरी होती तो उस कमीनी को वहीं जला के आए होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। जलाना वलाना सब बाद में, अगले मुहूर्त में पुनीता की शादी होगी। उस लड़के को तो मैं ही देख लूंगा। उसी लड़के से? बेटी, कॉलेज का मैच अच्छे से हुआ ना? अगर आज दास नहीं होता ना तो हमारी कॉलेज की टीम मैच हार जाती। पता है पिताजी, हमारी टीम दास के ही भरोसे थी। मैच स्टार्ट होते ही अचानक दास ने कहा कि वो नहीं खेलेगा। सब लोग चौंक गए। मैच स्टार्ट होते ही पीजी टीम गोल कर रहे हैं, धनाधन गोल कर रहे हैं। सब लोग टेंशन में आ गए। आप क्यों टेंशन में है पिताजी? कुछ नहीं बेटी, तुम बोलती रहो। पूरा कॉलेज वी वांट दास चिल्ला रहा था। आप भी तो आधे में ही चले गए थे। पूरी टीम ने कह दिया कि दास के बगैर नहीं खेलेंगे। फिर कोई रास्ता ही नहीं बचा, दास को लेना ही पड़ा। उसके बाद ही असली खेल शुरू हुआ। दास के उतरते ही दूसरे मिनट में फर्स्ट गोल, पांचवे मिनट में सेकंड गोल। बड़ा मजा आया और आखिर में जीत हमारी ही टीम की हुई। दास, क्या हुआ? इस तरह अकेले क्यों बैठा है? तुझसे किसने कहा मैं अकेला हूं? राजेश्वरी का ख्याल जो है मेरे साथ, इतने सालों में आज तक उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, और आज सबके सामने चिल्ला चिल्ला के कितनी बार मेरा नाम लिया। देख सुन, कितने दिन तक ये चॉकलेट देना, फुटबॉल उठाना, रात भर उसके बारे में सोचना, तुझे जाकर अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। तुझे क्या लगता है, प्यार का इजहार करना मेरे लिए बड़ी बात है? और मैं जानता हूं मुझे ना भी नहीं कहेगी, लेकिन इतने रईस बाप को, आलीशान घर को, इज्जतदार और बड़े घराने को, इन सबको भुलाकर उसने कहा वी वांट दास। अगर उसी तरह एक दिन वो बोली आई वांट दास, फिर देखना है दास क्या करता है। और तब तक? तब तक सिर्फ सपने देखता रहूंगा। दास को देना है। दास को देना है? यही तो है मेरा लव लेटर जो मैं कल दास को दूंगी। अच्छा, दास, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। राजेश्वरी, दास को कॉलेज से निकाल दिया गया है क्या? कन्नन जी इस कॉलेज के कर्ता धर्ता हैं। वो जो कुछ भी कहेंगे वही हम करेंगे। तुम्हारे सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, तुम जाके कनन जी से मिलो। दास, अभी जाकर उस कनन जी से बात करते हैं। रुक जा। भाई, आप सो रहे थे? मैं क्या एक हफ्ते तक सोता हूँ? क्या मैं कुंभकर्ण की औलाद हूँ? पागल, ये क्या बे, कनन जी के घर के सामने हॉर्न बजा के क्या बताना चाहता है तू? सुनो, तुम्हारे कनन जी मेरी जिंदगी की बैंड बजा रहे हैं, मैंने हॉर्न बजा दिया तो क्या हुआ? चलो। बड़े बड़े डायलॉग मारता है। कहाँ जा रहे हो? नमस्ते भाई जी। देख क्या रही हो, ले जाओ। यहाँ पर? हाँ नहीं, वो कुछ लगा हुआ है। भाई जी, इसे रोका फिर भी माना नहीं। तू जा। मैं भी चलता हूँ, मैंने जो कहा उस पर ध्यान देना भैया। चलता हूँ भैया। भैया चलता हूँ। हाँ चलता हूँ भाभी। क्या चाहिए तुझे? एक जवाब चाहिए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मुझे कॉलेज से क्यों निकाला गया है। खाते वक्त मैं बात नहीं करता, ये मेरी बेटी को पता है। ये जानते हुए भी वो लगातार बोलती रही तुम्हारे और मैच के बारे में।
कैसे तुमने अपनी टीम को जितवाया और तुम कैसे लगातार गोल करते रहे। बस इतनी सी बात क्या भाई जी, इसमें क्या हुआ? कॉलेज की जीत की खुशी में वो भूल गई होगी कि आप खाना खा रहे हैं, इसलिए बोल दिया होगा। जो कुछ भी उसने कहा गलत नहीं है, लेकिन वो कहना कुछ और चाहती थी। उसे देखकर ही मैं बता सकता हूं कि उसके दिल में क्या है। कुछ आया समझ में? समझ गया, चलता हूं। लुको, मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी जरूरी है और तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई। कल सुबह एसोसिएशन ऑफिस आ जाना, ठीक है? किस लिए? तुझे एक लेटर दूंगा, कामराज कॉलेज के प्रिंसिपल को देना, वो लेटर पढ़ते ही तुझे एडमिशन दे देंगे। नहीं, नहीं चाहिए तुम्हारा सर। आज के बाद सोते जागते खाते पीते तुम्हारी बेटी सिर्फ मेरी बात करेगी। जी, अभी तक कॉलेज क्यों नहीं गई? ये देखो क्या है, ये मेरी शादी का कार्ड है। मैं भी तुम्हारी तरह किसी दूसरी जाति के लड़के से बहुत प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी। मेरे कॉलेज के दोस्तों ने हमारी शादी के कार्ड तक छपवा दिए थे, पर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया और फिर हमारी शादी टूट गई। हम एक दूसरे के नहीं हो सके। और जानती हो, ये मंगलसूत्र मैंने अपनी इच्छा से नहीं पहना है। मैं रोई चिल्लाई पर मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे लिए ये सिर्फ एक धागा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जात पात बिरादरी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी और उसकी भलाई के लिए कह रही हूं। उसे भूल जाओ, जाओ कॉलेज की तैयारी करो। दास, बता क्या हुआ? उन्होंने मुझे कॉलेज से निकलवा दिया है, लेकिन मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक राजेश्वरी मुझे अपने दिल से ना निकाल दे। उसने भी निकाल दिया यार दिल से, अब कभी नहीं आऊंगा यहां पर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी? अरे ये उल्टी कौन कर रहा है? अरे देखता हूँ। अरे 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 अरे, सुनो, तुम उल्टी क्यों कर रही हो? तबीयत खराब है सर। तबीयत खराब है या उस किस का नतीजा है ये? जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है।
अच्छा तो तुम ठीक तो हो ना? परेशान मत कीजिए, जाइए ना। हाँ हाँ मैं चले जाऊंगा, कॉलेज में हो तब तक माँ मत बनना समझी। बड़ी फास्ट है, तीन ही दिन में इतनी उल्टियाँ। ये दास तो आज भी कॉलेज आया है। कल जब ये कन्नन जी के घर आया था ना, तभी इसे मार के फेंक देना चाहिए था ताकि ये आज कॉलेज नहीं आता। फिर क्या इसे मार के फेंक देते हैं? ए आवे, क्या भाइयों आप लोग यहाँ पर कैसे? कन्नन जी मुझे कॉलेज से निकलवा कर तुम लोगों को भर्ती करवा रहे हैं। फुटबॉल खेले बहुत समय हो गया है, इसलिए आज तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। हाँ खेलेंगे ना, लेकिन बिना नियम के खेलने का मजा नहीं आएगा। हाँ अगर कोई मुझसे बॉल छीन पाया तो समझ लो मैं हार गया। ओके रेडी। अरे भाइयों वहां कहां जा रहे हो? इधर इधर। अरे आगे सुकुमार चल। देखा चूजे तू फंस गया ना, मैं शेर हूं शेर। साहब हम लोग कन्नन जी के आदमी है, पता है ना? कन्नन जी बहुत तीस मार खा है क्या? ए, लेके जाओ इन सबको, एक एक को डाल दो। थैंक यू सर। क्या परेशानी है तुम्हें? एक ही तो परेशानी है, कन्नन जी। आपको कन्नन जी पसंद नहीं और कन्नन जी को मैं पसंद नहीं हूँ। फिर तो तू अपना ही आदमी है। ठीक है जा। ठीक है सर। नमस्ते। बैठो बैठो। सुन सबके सामने क्या रो रही है? आज के दिन सबकी नजर दुल्हन पे होती है, रोना धोना बंद कर, चुपचाप जाके कमरे में बैठ जा। आई आई। कहाँ चली गई थी दोनों? अंदर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी अंदर आओ। हुँ।
हाँ, कैसा दोस्त है तू, मरने से पहले बताया नहीं हम लोगों को। दास, हम जीना नहीं चाहते, हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। पुनीता की शादी तय हो गई है, 2 दिन में इसकी शादी होने वाली है, और इस शादी को रोक पाना मेरे बस की बात नहीं। पुनीता की शादी करवाने में कनन जी का हाथ है, और तुम तो जानते ही हो वो किस तरह का आदमी है। ऐसे में मैं, अरे सॉरी, तुम कुछ बोल रहे थे क्या? देख मेरे दोस्त, हम जैसे लड़के इन जैसी लड़कियों से प्यार करेंगे तो इनके घर वाले हमें मारेंगे, नहीं तो क्या हमारी शादी करवाएंगे? तुमने क्या सोचा था, कभी भी शादी कर लेंगे? वो तो बाद की बात है, पहले जी भर के प्यार कर लेते हैं। कभी ये नहीं सोचा अचानक जब घर वाले शादी पर जोर डालेंगे तब क्या करोगे तुम दोनों? लेकिन मुंह बंद रख अपना, मरने जा रहा है, भूल गया क्या तेरे कोई दोस्त भी है? दास मेरी बात। और तुम पुनीता, तुम्हें क्या लगता मरना इतना आसान है? तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा है या नहीं? है। और तुम्हें भी अपने प्यार पे भरोसा है ना? तो तुम दोनों की शादी होगी, अभी इसी वक्त और यहीं पर होगी। अरे दास। नमस्ते सर। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, रहने दो। तुमने मुझे ये सामान लेकर मंदिर में आने को कहा था ना, तो कम से कम आने का रास्ता तो बता देते। गधे जैसा बस वहीं खड़ा था, एक आदमी अभी छोड़ के गया है मुझे। तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे कहा था तुम्हें यहाँ लाने के लिए, लाओ दो। अरे दो ना। अरे ये सामान किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए? हाँ। वो भी जंगल में? हाँ। किसकी शादी? इन दोनों की शादी। अच्छा, इन दोनों की। अरे हटो यार, जरा देखू तो सही लड़की कौन है। अरे ये तो करण जी के भाई की बेटी है। क्यों यहाँ खड़े होकर दिखाई नहीं दी थी? अरे मजाक क्या कर रहा है, तूने मुझे क्यों बुलाया इसकी शादी के लिए? बुजुर्गों का आशीर्वाद जो चाहिए था। तुझे मैं बुजुर्ग दिखता हूँ क्या? चुप। ये कौन है? अरे ये तो मेरे बहन की बेटी है, ये यहाँ क्यों आई है? मुझे फंसा दिया। छोटे इधर 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 इधर, साले मेरी यहाँ बैंड बज रही है और तू वहाँ खड़े रहकर तालियां बजा रहा है। सोने दूंगा, चल के लगी भर इसी तरह मुस्कुराते रहना। अरे ये लोग तो आ गए, अब क्या करेंगे? ए, इन सब को काट कर फेंक दो। चलो निकले। चलो क्या लफड़ा किया? फिर से कन्नन के आदमी हैं क्या?
ए, आज क्या तकलीफ हो गई? साहब, इस बार करण जी के रास्ते में मत आइए, समझे? चुपचाप चले जाइए। क्या रे? अरे कन्नन जी यहाँ का कोई डॉन है क्या? डाल दूंगा अभी। बताओ दास, क्या हुआ? सर, ये मेरा दोस्त है। ये कन्नन जी की भाई की बेटी से प्यार करता है, इसलिए उसने उससे शादी कर ली। बस यही वजह है। तुरंत काटने के लिए चल दिए। एक फटका भी लगाना, सबको यहीं पर भून डालूंगा। जाओ यहां से। दास, गाड़ी में बैठो। अरे जाओ ना, चलो। दास, तुम बहुत बहादुर आदमी हो। इस गांव में मेरे बाद कन्नन से टक्कर लेने की हिम्मत तो सिर्फ तुम्हारे में ही है। अच्छा, ये बताओ आगे क्या करने वाले हो? सर, मदुराई में एक दोस्त है, उसे हमने खबर कर दी है। एक बार वहां पहुंच जाए तो तकलीफ नहीं होगी। बस हमें बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए। बस स्टैंड क्यों? मैं तुम्हें मदुराई तक छोड़ दूंगा, चिंता मत करो। वो शंभू अपने आप को क्या समझता है? वो क्या कोई भगवान है जो उसने बंदूक दिखाई और तुम साले डर कर वापस चले आए? ए, बुला ले अपने आदमियों को, किसी भी तरह उन्हें ढूंढो और खत्म कर दो सबको। उधर ना। क्या देख रहा है? तेरे दुश्मनों को बचाने वाला उन्हें तेरे पास लाया है। देख, दोनों को लाया हूं। ए, मेरे और कन्नन के बीच में हजारों लफड़े हैं, इसके लिए तू हमारे घर की लड़की को एक भिखारी से शादी करवाएगा और हम यहाँ पर? ए, हमारी बिरादरी में अगर कुछ तकलीफ हुई तो मैं कब्र में रहूंगा तो भी उठकर चलाऊंगा। एक बात अच्छे से जान लो, मेरी रगों के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो मेरी अपनी बिरादरी का है। अब तू क्या करने वाला है? उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकालो। बाहर निकालो इनको। अब मैं तेरा क्या हाल करता हूं मैं? बाहर निकालो इन दोनों को। हमारी जाति के लड़की से शादी करेगा तू? मैं दोनों को मुर्दा देखना चाहता हूं। इन दोनों को जिंदा चला देना। आज के बाद इस गांव में ऐसी हरकत करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा।
के सर पे मौत आई तो कितना घबरा गया तू। क्यों डर लग रहा है ना? तूने मेरे दोस्तों को जलाया, अब मैं तुझे जलाऊंगा। गुना और पुनीता जिस तरह तड़प तड़प के मरे थे उसी तरह तुझे भी मारूंगा। नहीं दास, इनके शरीर को नहीं जलाना है, इनके आत्मा को जलाना है। इनके अंदर जो जाति का घमंड है उसे जलाना है। सबसे पहले इन्हें समझाना होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, उसके बाद इन्हें सजा दो। इन्हें एहसास दिलाओ, तड़पा तड़पा कर मारो। मेरा कहना मानोगे ना दास? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इसी वक्त मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। इनकी बेटी ने दूसरी बिरादरी में शादी की और इन्हें चला दिया। इन्हें ये कलंक देखकर मैं इन्हें छोड़कर चल सकती हूँ। फिर देखते हैं कि ये क्या करते हैं। ये हमें आशीर्वाद देते हैं या हम दोनों को पेट्रोल डालकर जला देते हैं। राजी बेटी, ये क्या बोल रही है तू? सुना सुना तेरी बेटी क्या कह रही है। वो जात पात को नहीं मानती है, वो इंसानियत को मानती है। अब तू क्या कर लेगा? हाँ, मैं इसे ले जा रहा हूँ शादी करने के लिए। डर मत, मैं लौटूंगा जरूर, और अगर हिम्मत हो ना तो हमें चलाकर दिखाना। क्या कहा? वो लोग नहीं मिल रहे हैं, कोना कोना छान मारो, वहीं कहीं छुपे होंगे। ए, क्या हुआ बे? वो लोग कहीं नहीं मिले भाई। नहीं मिले? दास का भाई 2 दिन पहले पूरे परिवार के साथ गांव छोड़ के निकल गया है।
हाँ तो फिर ये दोनों वेलंगनी गए होंगे, चलो वहीं चलकर पकड़ते हैं, चलो। ए! सुनो, मुझे खबर मिली है कि वो लोग मदुराई गए हैं। शंभु, मदुराई में हर जगह हमारे आदमी होने चाहिए, कुछ भी करो पर उन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए, मुझे उन दोनों की लाशें चाहिए। देखिए मंत्री गुरुमूर्ति अपने ही आदमी है, आप उनको फोन लगा के बात कीजिए ना। हेलो गुरुमूर्ति, आप लोगों को कैसे भी करके मेरे निकाह पे आने ही होगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। दास, क्या हुआ दास? गुना और पुनीता क्यों नहीं आए? वो लोग नहीं आएंगे। क्यों? वो लोग कभी नहीं आएंगे। क्यों दास? हम दोनों जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं और ये कनन के गांव में नहीं हो सकता, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तू यहाँ आ गया है ना, अब तेरी शादी कराने के लिए जो भी करना होगा वो मैं करूँगा। नसीर, आज तेरी शादी है दोस्त, हमारी फिक्र बाद में करना। सुन, मेरी शादी कराने के लिए चाचा चाची अब्बा अम्मी हजारों लोग हैं, तेरे लिए कौन है? हाँ बता, तुझे शादी कैसे करनी है ये बोल बस। हमें किसी मंदिर में ले चलो। पंडित जी सुनिए। बोलो। एक शादी करवानी है। हाँ करवा देंगे, किसे करनी है? वो देखिए मेरे दोस्त हैं। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगी। पंडित जी ये थाली लीजिए, पूजा शुरू कीजिए। लड़की का नाम क्या है? राजेश्वरी। और लड़के का? दास, एंथनी दास। एंथनी है? बेटा तुम पढ़े लिखे हो ना, ये हिंदुओं का मंदिर है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है, एक हिंदू लड़की की शादी किसी और जाति में करने की अनुमति नहीं है और ना ही हमारे समाज में उसके लिए कोई जगह है। माफ कीजिए मुझे, आप जाइए यहाँ से। लड़की का नाम राजेश्वरी और लड़के का नाम एंथनी। बेटा हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? नसीर। अब तो शादी हो ही नहीं सकती। छोड़, कहीं और चलते हैं, मैं एक और जगह जानता हूँ। ठीक है, देख नसीर। पिताजी के गुंडे। दास सुन, गुस्सा मत हो, पहले जरूरी है कि तुम दोनों की शादी हो जाए, ठीक है? मेरी बात सुन, इस वक्त झगड़ा करके फायदा नहीं, मेरा निकाह होने तक तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, उसके बाद तुम दोनों की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? ठीक है चलो। आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। सब रेडी है ना? अरे जरा रुक जाओ, लीजिए ये टोपी पहन लीजिए। अब तो सब रेडी है ना, मैं फोटो खींचने जा रहा हूँ। हाँ खींचना मत, मार डालूंगी मैं। ये क्या मेरे बिना फोटो खिंचवा रहे हो? मैं नहीं रहूंगी तो फोटो अच्छी नहीं आएगी। अच्छी लग रही हूँ ना? खींचो। रेडी। अबू देखिए नसीर भाईजान आ गए। अरे नसीर आ जाओ। हाँ बा। अरे तुम तो सुबह गए थे, इतनी लेट क्यों आ रहे हो? बताता। बैठो बेटा, फोटो खिंचवा लो। बैठो बैठो। क्या चाचा, बच्चों का फोटो बोल के सबको बिठा के निकलवा रहे हो, मैं भी खिंचवाऊंगा फोटो। ठीक है ठीक है, आ गया। सुनो बेटा तुम फोटो निकाल दो। ये लो पकड़ो। नसीर ये दोनों कौन है? खाला ये दास है, मेरा दोस्त, निकाह के लिए आया है। बेटा ये लड़की कौन है?
वो राजेश्वरी है, वो दास की बीवी। दास निकालो फोटो, सब रेडी है। स्माइल। स्माइल तुम्हें बुला रहा है। हाँ। अच्छा 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 करता हूँ, शुक्रिया भाई। आराम से अब्बा। यार इंतजाम सब ठीक है ना? हाँ बा। दास राजेश्वरी आइए आइए, आते ही काम दे दिया तुम्हें, माफ करना। अरे कोई बात, ये तुम्हारा ही घर है। नसीर इनका ख्याल रखना। जी। ये हैं अनवर, नसीर का फुफेरा बड़ा भाई। जाओ तुम लोग आराम करो। आओ। हे, झूठ क्यों बोला कि हम दोनों पति पत्नी हैं? ऐसा नहीं बोलता तो 10 सवाल और करते। वैसे भी तुम लोग शादी तो करने वाले हो ना? लेकिन बात सब रहने दे, चल अब। अरे नसीर, तू कह रहा है ये शादीशुदा है, पर तू तो इनकी शादी में गया ही नहीं था। वो बहुत जल्दी में हो गई ना। जी हाँ। तुम्हें जीजा जी बुला रहे हैं, जाके उनसे मिल लो। अच्छा, तुम मेरे साथ। मैं आता हूँ, तू जा। फोटो अच्छा निकाला ना? आओ 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 अंदर। सुनो, कौन है ये दोनों? ये नसीर के फ्रेंड है, ये है दास और ये उनकी बीवी राजेश्वरी। नमस्ते। ये नसीर की दादी। जोड़ी कैसी है दादी? हाँ, बहुत बहुत अच्छी है। मैं इन्हें रूम दिखा के आती हूँ। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हमें भी लोग ऐसे ही कहते थे। हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, झूठ क्यों बोल रही हो? हर वक्त ऐसे ही बोलती रहती है। अरे मैं तो बताना ही भूल गई कि मैं कौन हूँ। मैं नसीर की खाला हूँ। खाला मतलब? खाला का मतलब नहीं पता, खाला का मतलब होता है मौसी। मैं उसकी मौसी लगती हूँ। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब तुम रेस्ट करो, ठीक है? मैं खाने का देखती हूँ। जाओ जाओ। अरे रुकिए। अरे ये सब सपना लग रहा नहीं? एक दूसरे से प्यार का इजहार किया नहीं, और गांव में ऐलान करके आ गए कि शादी करेंगे, और यहां पहुंच के बिना शादी किए ही इन सब के सामने पति पत्नी बन गए। कितना अजीब है ना ये? अजीब तो है, पर क्या ये हो सकता है? क्यों, मुझ पे शक है क्या? जब से तुम्हारा हाथ थामा है, मेरा डर चला गया है। सबसे लड़ने की शक्ति आ गई है मुझ में। दास, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं ये बात तुमसे कहना चाहती थी, पर कभी नहीं कह पाई। मैंने सोचा था कि कभी तुमसे नहीं कह पाऊंगी, पर बोल ही दिया। ए, वो कॉन्ट्रैक्ट रतलाम को कैसे चला गया? मैं यहाँ मिनिस्टर किसलिए बनकर बैठा हूँ? हाँ, उखाड़ने के लिए। ये दिल्ली वालों को भी किसी की कोई चिंता नहीं है। ये लो जाओ। अरे नमस्ते कनन जी, तुम लोग सब लोग जाओ, कल मीटिंग करेंगे। चलो जाओ। कैसे हैं आप कनन जी? आइए बैठिए। हेलो सर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब से आपका फोन आया है हमारे सारे आदमी गांव भर में फैल चुके हैं उसे पकड़ने के लिए। पकड़ना ही होगा गुरुमूर्ति, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, उन्हें रोकना ही होगा। अगर गांव में ये बात फैल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। भाई आप और हम एक ही बिरादरी के हैं, इसलिए आपके भरोसे हम यहाँ हैं। हमारे गांव में वो ऐसा काम करने वाला पहला आदमी है, उसे हम लोग आखिरी आदमी बनाकर छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है। ये इज्जत का सवाल नहीं है शंभू, ये जाति का सवाल है। तुम लोग जाति के नाम पे पॉलिटिक्स सिर्फ अपने गांव में खेलते हो, लेकिन मैं ये पॉलिटिक्स पूरे देश में खेलता हूँ। क्यों कन्नन जी, एक बाहर की जाति वाला हमारे घर में घुसकर हमारी लड़की को उठाकर ले गया तो हम लोग चुप रहेंगे, काट डालेंगे? ए पांडे, कानून वाली पंचायत के लिए कमिश्नर महेंद्र है, और गुंडे पंचायत के लिए संतोष पांडे है।
ये दोनों को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब उसे अच्छी तरह पता चलेगा कि हम अपनी बिरादरी की लड़की को अगवा करने की क्या सजा देते हैं। अनवर, रज़ाक, हम कामयाब हो गए। वालेकुम अस्सलाम। अबू, मैंने कहा था ना, कोयम्बतूर से नसीर के निकाह में मेरे कुछ दोस्त आने वाले थे। रज़ाक, सब लोग रेडी ना? रेडी। चलो कैच कैच। बेटा बोल दो। सलीम, दरवाजा बंद करो। इस बार ये बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं बचेगा रज़ाक। अनवर का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। ए, झगड़ा नहीं। मैं दिखाता हूँ। लाओ दो, लाओ, मैं दिखाता हूँ। आज जगह देख लेते हैं। हाँ। अंकल, मैं मारूँ क्या? हाँ। अरे, सॉरी, बच्चे खेल रहे थे, अनजाने में लग गए। सॉरी। क्या हुआ रज़ाक? कौन है ये? नसीर का दोस्त है, निकाह के लिए आया है। रुक जाओ, यहीं नहीं रोको। हाँ, बस मैमून, कहाँ हो तुम? मैं तो बस 4 दिन 45 मिनट लेट हुआ हूँ। बाकी छोड़ो मैमून। अरे मैमून, कहाँ हो तुम? सुनो, ये मैमून कहाँ है? वो ना ऊपर रूम में बैठ के टीवी देख रही है। उसका पति उसके लिए दुबई से दौड़ा दौड़ा आया है और उसे टीवी के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है। थपड़े पड़े 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 हंसते पड़े कन्नाले थपड़े पड़े 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 हंसते पड़े कन्नाले थपड़े पड़े मेमून। अरे आप आ गए, इतना लेट क्यों हो गया? आप थोड़ी लेट हो गई। जाओ जी, मैंने सोचा था कि कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान जैसे गाते हुए प्लेन से आता है, वैसे ही आप भी मेरे लिए गाना गाते हुए प्लेन से आओगे। अरे पर वो तो अपनी माँ से मिलने आया था, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं? क्यों जी, शीला की जवानी की तरह मेरी कमर को क्यों देख रहे हो? जान नहीं देखूं तो और क्या करूं? 3 साल जो तुमसे अलग था, पर तुम कैसे रही? बताओ ना। वो देवर जी है ना? मैमून। अरे वो तो सऊदी चले गए ना, और कोई रास्ता नहीं था तो उनकी बीवी और मैं मिलके। मैमून, क्या आप भी ना? हम सिनेमा जाते थे, सीरियल देखते थे, बस और क्या? पता नहीं मैं भी क्या क्या सोच रहा था। आ जाओ मेरी जान, मेरे पास 4 दिन 35 मिनट बाकी है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब मेरे बदन में रजनीकांत जाग रहा है, समझी? अब तुम देखो मैं क्या क्या करता हूँ। रजनीकांत, इसका मतलब अभी आप मेरे साथ फाइटिंग करने वाले हो क्या? देखो ये सब क्या बकवास बातें कर रही हो तुम, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? क्या करोगे, धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी पर शादी का केस किया था, वैसे ही मुझ पे केस करोगे? अपनी साक्षी में जैसे नाना ने मनीषा को काटने के लिए चाकू उठाया था, उसी तरह तुझे मार डालूंगा मैं। देखिए आप मुझे इस तरह से डराइए मत, मैं तो ठहरी एक मासूम सी अबला नारी। छोड़ो ये सब बातें, काम पे लगते हैं ना। मम्मी, अरे छोड़ी छोड़ी, बच्चे नहीं, देख कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। मम्मी देखिए ना, वो आ गया, अब क्या करें? मुझे तो ऐसे कुछ नहीं पता। ये भी हमें इस तरह से देखकर मेरा नाम जोकर के ऋषि कपूर की जैसे हो जाएगा। अरे क्या कर रहा है तू? उसने बैठ यही कहीं फेंकी होगी। किसने? बीएफ ने। अरे बीएफ कौन है? अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड विनोद, यही कहीं फेंक के चला गया। हाँ पापा, बैट ऊपर है, निकाल के देखिए। हाँ, क्यों नहीं, देखो। हाँ। बैट तो तुम्हें निकाल के दूंगा, लेकिन तुरंत बैट लेके यहाँ से चले जाना। हाँ। पापा यहाँ दूसरा मैच खेलने वाले हैं, समझे? आ जाओ मेरे बेटे, आ मेरे बच्चे। मिला क्या? हाँ मिल गया। अरे तूने तो मैच ही खराब कर दिया। अरे अरे बैट तो दीजिए। थैंक्स पापा। क्यों जी, थोड़ी देर पहले तो आप रजनीकांत बन रहे थे और इतनी सी चोट से आपका ये हाल हो गया। कैसे भी करके उन दोनों की शादी हो जानी चाहिए, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको जानता हूँ और आप रजिस्ट्रार हैं, प्लीज ना मत बोलिएगा अंकल, प्लीज, आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। ओके ओके नसीर, तुम्हें इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कल कोर्ट में उनकी शादी अच्छी तरह से हो जाएगी। और हाँ, आज अभी तुम अपनी शादी खुशी खुशी करो। ओके मनवा पड़ा है ये मैदान तुम्हारा,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यहां अल्लाह के रहम और करम से और उसके फजल से आज बिस्मिल्लाह रहमत की बेटी नाजिया का निकाह रियाज हुसैन के लड़के नासिर हुसैन से होने जा रहा है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए दस्तखत कीजिए। चाची ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे रजिस्टर पर लड़का लड़की दोनों साइन करेंगे तभी तो शादी होगी। इसके बाद लड़का साइन करेगा? पहले लड़का करता है फिर लड़की करती है। इसके बाद मंगलसूत्र पहनाते हैं क्या? हाँ हाँ सही कह रही हूँ। चाची 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 हाँ क्या कर रहे हैं? मंगलसूत्र पहना रहे हैं। हा? तुम लोगों में पीला धागा पहनाते हैं, हम लोगों में काला धागा पहनाते हैं। इतना ही नहीं मंगलसूत्र लड़की की माँ पहनाती है, वो देखो। मदुरा के अंदर ही लाके छोड़ा है तुमने, धन्यवाद। कैसे भी तेरनवल्ली से मदुरा पहुंच ही गया। अगर अभी तक उस गांव में होता तो पता नहीं जीजा जी मुझे कच्चा चबा जाते। चलो अब तो अपने गांव पहुंच ही गया हूँ। जय हो धरती माँ, बस मेरा यूं ही साथ देते रहना धरती माँ, मैं तुम्हारा आभारी। आओ बिल्कुल सही जगह पे आए हो बच्चू। अबे ओ कालिया। हाँ भाई। जरा ऊपर से छुरी निकाल और उसे आगे पीछे से अच्छे से धार कर दे। एक नया बकरा आया है, बिल्कुल हट्टा कट्टा, उसकी बलि चढ़ानी है। चल अब तू निकल, तेरा हो गया हो गया। अरे ये तो निकल गया, ये भी तुम्हारा आदमी है क्या? यही नहीं, हमारी कनेक्शन इंटरनेशनल लेवल तक है। अगर तू मलेशिया भी भाग गया ना तो भी तुझे यूं ढूंढ के निकालेंगे। अब बता वो लोग कहाँ हैं? बता। ये क्या खड़े है ना,
अबे ये मेरे से मजाक कर रहा है क्या? जल्दी बताता है कि नहीं? वो लोग, ये लोग मुझे क्या मालूम, अभी दूंगा कान के नीचे। कौन है वो लोग, किसके बारे में पूछ रहा है, नाम और गांव तो बता। अच्छा तू जानता नहीं हो? रुक जा, मैं तेरे को अभी बताता हूँ। बताओ। लड़की का नाम है राजश्री और लड़के का नाम है एंथनी दास। हाँ, तो ऐसा पूछो ना। अब बता बता जल्दी बता, तू अच्छा बच्चा है ना? पता नहीं है। तू सीधे से बताएगा या नहीं? हाँ? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। अभी दिखाता हूँ तेरे को। क्या हुआ भाई? अबे तुझे मारा तो मेरी हाथ से खून निकल गया, खून तो तेरे मुंह से निकलना चाहिए तो, था। एक आदमी को मारने के पहले सोचना चाहिए वो कैसा है, उसके दांत कितने मजबूत है। हाँ, अरे मुझे क्या पता कि तेरे दांत कितने मजबूत है, तूने मुझे बताया था क्या? क्या है ना, मेरा एक दांत पत्थर का है, कई साल पहले मैंने बिठाया था, 18 साल से ब्रश तक नहीं किया मैंने। 18 साल? जहरीला दांत है। जहरीला है क्या? अरे सर देखो, मेरा दांत नीला है ना, थोड़ी देर में तू नीचे से ऊपर तक नीला हो जाएगा, नीला और सीधा ऊपर निकल जाएगा। जल्दी डॉक्टर के पास जा। अबे देख क्या रहा है, ले जा इसे। चलो भाई, चलो। वालेकुम सलाम। जाओ 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 जाओ। अलादीन कभी दुबई को कभी। देखो शादी में आए हो, तुमने बिरयानी भी खा ली, अब फालतू बातों में क्यों अपना सर डाल रहे हो यार? तुम लोगों की वजह से मेमून और मेरा कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, अभी तक पिकअप नहीं हुआ और तू पैकअप की बातें कर रहा है यार, चल जा यहाँ से। ठीक है, खुदा हाफिज़। जो भी आ रहा है बस टेंशन ही दिए जा रहा है। मून जरा इधर तो आओ। सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ जी? मून आने वाले सब धीरे धीरे जा रहे हैं, पुराना रूम भी खाली है, 2 दिन 3 घंटे बाकी है, चलो ना। लक, 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 लक। अरे थोड़ा सब्र कीजिए, मैं बस उन्हें छोड़ कर आती हूँ। अरे रुको तो। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रेडी हो गई राजेश्वरी? चलो जल्दी, हम बस अभी जाके आते हैं। इतनी जल्दी जा रहे हो, कुछ दिन नहीं, और नहीं, रुक हम जाते। चलते हैं। शुक्रिया। सलाम अलैकुम। खाला दास और राजेश्वरी जा रहे हैं। ये क्या, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? हमारे परिवार में इतना घुल मिल गई थी कि परिवार का हिस्सा बन गई थी। देखो ना कितने प्यार से मुझे चाची चाची कह के बुलाती थी। जब किसी से लगाव होता है ना और वो चला जाए तो बहुत दुख होता है। कोई बात नहीं, खैर जहाँ भी जाओ खुश रहो, मेरी यही दुआ है। क्या खाला, ये कौन सा देश छोड़ के जा रहे हैं, नजदीक तो रहते हैं, आते जाते रहेंगे। हाँ, चल। चलती हूँ चाची। ठीक है। क्यों भाई, तुम लोगों ने रास्ता की रोक कर रखा? आमिर बात क्या? मैं जा रहा हूँ इसलिए नाराज हो गया। अच्छा बात भी नहीं करोगे? मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा ना। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। चलिए ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अब्बा ये हम चलते हैं अंकल। दास, निकाह में आए लोग जब कहते हैं कि हम चलते हैं तो मैं उन्हें खुशी खुशी भेज देता हूं, लेकिन जब तुम कह रहे हो तो ऐसा लगा कि मेरे अपने घर का बच्चा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर यहां से जा रहा है। संभाल के जाना, खुदा हाफिज। तुम दोनों यहां हमेशा आते रहना, तुम दोनों को इतना खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी होती है। दास देखो, दिल के आगे इज्जत का कोई कोई महत्व नहीं है। कभी भी दिल को ही जीतना चाहिए, जात को जीतने नहीं देना चाहिए। देखो इसी तरह पति पत्नी की तरह हमेशा खुशहाल जिंदगी जीना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। दास अब चलने का वक्त हो गया, अब्बा हम लोग चलते हैं, मैं आता हूँ। चलो खुदा हाफिज, सही सलामत जाना। क्या हुआ बेटी?
क्या हुआ हम दास? लोगों को माफ कर दीजिए। क्या बोल रहे हो दास? माफ करने वाला तो अल्लाह है। तुम दोनों ने क्या गलती की? आप लोगों का इतना प्यार देखकर मैं सच बताए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं। मुझे माफ कर देना अब्बा, इनकी बिरादरी वालों की वजह से शादी में अड़चन आ रही है। अब मैंने सोचा यहाँ सबको क्या बताऊंगा, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हम दोनों आज शादी करने के लिए ही जा रहे हैं। शादी अच्छे से हो जाए ये आशीर्वाद दीजिए, वरना ये अधूरी रह जाएगी। तुम दोनों मुझसे झूठ बोलकर नहीं जा सके ना। इसका मतलब कि तुम लोगों के प्यार में सच्चाई है। या अल्लाह, इन पर रहम करो। अनवर कहाँ? अनवर! नहीं नहीं अबा, मैंने इनकी शादी करवाने का इंतजाम कर लिया है। आपके वो दोस्त है ना रजिस्ट्रार ऑफिस में, उन्होंने 11 बजे बुलाया है। हम वहीं जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तुम लोगों के लिए जरूर दुआ करूंगा बेटा। सही सलामत जाना। ठीक है बेटी, खुदा हाफिज। ठीक है तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो। चलती हूँ अब्बा। सुनो, ये दोनों यहाँ आए थे? जी नहीं। यहाँ भी नहीं आए? अच्छा, ये 8वां रजिस्ट्रार ऑफिस है। क्यों बे? लड़के का नाम है दास, एंथनी दास, तेरनवेली से, और लड़की राजेश्वरी। ये लड़का उसे भगा के लाया, समझे? मैं अंदर जाके आता हूँ। अगर ये लोग यहाँ शादी करने आए तो इनको यहाँ बिठा कर रखना और इस नंबर पे फोन करना। ये एंथनी दास, ये राजेश्वरी, ये लोग कभी भी यहाँ आएंगे तो आपको बताना है। बता देंगे। वाह, इसी बात पे हाथ मिलाओ। अबे साले, बता कहाँ है वो लोग? चल बता। पता नहीं क्या? तो पता नहीं, पता कहाँ है वो लोग? छोड़ो मुझे। अबे अबे, पीछे ना, पीछे ना, जल्दी कर,
चले। दास बचाओ। है, और तेज भगा। दास। दास। छोड़ दो मुझे। दास। लेफ्ट घुमा, लेफ्ट घुमा। बचा लो मुझे। यही काम उन दोनों ने भी किया था, लेकिन उन्हें जिंदा जला दिया गया। उसके बाद भी तुम लोगों को अकल नहीं आया। शादी करने जा रहे हैं? शादी? ए, इस दुनिया के आखिरी कोने में भी जाएगा तो भी वहां तेरी शादी नहीं हो सकती, समझ रहा है? अब देख। अरे क्या दास दास कर रही है? हम लोगों की बिरादरी में कोई मर्द नहीं मिला तुझे प्यार करने के लिए, जो तो उस भिखारी के पीछे भाग रही है। अब देख मैं क्या करता हूं। ए! इसे कहते हैं पुलिस वाले की मार, पुलिस वालों की ट्रेनिंग। पुलिस वालों से पंगा लिया तो जिंदगी भर चैन से नहीं जी सकता, इस बात को याद रखना। Ah!
ये है स्टूडेंट का फटका। कॉलेज की ट्रेनिंग, स्टूडेंट से पंगा लिया तो ऊपर से नीचे तक हिल जाएगा। नहीं तू, नहीं तेरी जाति, ये दुनिया भी चाहे तो मुझे रायश्वरी को अलग नहीं कर सकते। राजेश्वरी, राजेश्वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दास, दास, क्या हो गया इसे? दास, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। राजेश्वरी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कोई पानी लाओ जल्दी से। राजेश्वरी को क्या हुआ? जाओ पानी लाओ, जल्दी पानी लेकर आओ, पानी लाओ। अम्मा, क्या हुआ इसे? राजेश्वरी, पानी लाओ। राजेश्वरी, देखिए अम्मा, देखिए क्या हुआ। आपने दुआएं देके हमें यहाँ से भेजा, लेकिन इसके बाप ने गुंडे भेजे इसे जिंदा जलाने के लिए। राजेश्वरी होश में हो। पैसा, जात पात, राजनीति, ये सब के भरोसे वो इतना ताकतवर बन सकता है ना, तो मैं भी अपने प्यार के बलबूते पर उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। एक एक का भुर्ता बनाकर रख दूंगा, सबको मारूंगा। अरे इसे होश आ गया। राजेश्वरी, तुम ठीक तो? इसे थोड़ा पानी दो। अब्बा, हम यहाँ पर भागकर इसलिए नहीं आए ताकि मंदिर में जाकर चुपके से शादी कर सकें, बल्कि इसलिए आए हैं ताकि शादी करके इसके बाप के जाति पात के घमंड को तोड़ सके। इसलिए मैंने उसे जान से नहीं मारा, लेकिन वो हमारे पीछे पड़ा है। हम मंदिर गए तो वहां मना कर दिया, चर्च में जाने की सोची तो वहां भी जगह नहीं मिली, कोर्ट मैरिज करने गए तो उसने वहां पर भी अपने गुंडे भेज दिए। अगर आप चाहें तो आप हमारी शादी करवा सकते हैं अब्बा, हमारी शादी मुस्लिम तरीके से करवा दीजिए। या अल्लाह। सुनो, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब यहाँ नहीं होगा। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो, ये कोई पहना हुआ शर्ट नहीं है, ये जान है, ईमान है, भरोसा है। जीने की चाह रखने वाले को रास्ता दिखाना गलत नहीं है। ये गलत है खाला, अब्बू से पूछ कर देखिए। भरोसे पर बदलने वाले को ही भरोसे से रास्ता दिखाया जाता है, जात पात को बदलने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ए अनवर, खुदा को अगर सच्चे दिल से चाहो तो वो भी साथ देता है। अब्बू, आप ही ने तो कहा था प्यार करने वाले का मन देखना चाहिए, तो हम लोग वही तो कर रहे हैं। अब्बू, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सुना है प्यार में बहुत ताकत होती है। अगर हम हार गए तो ये सबकी हार होगी। अब्बा, अब्बा, ये लोग बहुत तकलीफ में हैं, अब आप ही इनकी मदद कर सकते हैं। अब्बा, सब कुछ आपके हाथ में है, इनकी मदद कर दीजिए। अब्बा, जब मैं पैदा हुआ तब मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा, अब दोनों को माता पिता मानकर मैं कहता हूँ कि हमारी शादी करवा दीजिए। Thank you.
दास, राजेश्वरी, मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। वो मुझसे ऐसा बोल रहा था। वो सब छोड़ो शंभू, अब अगर वो हमारे हाथ लगेगा तो जिंदा बच के नहीं जाएगा। नहीं, अगर उसे ऐसे मारेंगे तो वो आसान मौत मर जाएगा। ऐसे नहीं मारेंगे। साले साहब, आपकी लड़की जहां कहीं भी होगी उसे हम ढूंढ कर लाएंगे और अपने ही बिरादरी में उसकी शादी करवाएंगे, वो भी मेरे छोटे भाई से। अब आप देखना कि वो कैसे तिल तिल करके मरेगा। शंभू, तू हमारी बिरादरी का है और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। शाबाश, पहले उस लड़की को उठवा लो। मैं अपने आने वाले जन्मदिन पर 50 जोड़ों की शादी करवा रहा हूँ और ये शादी सबसे पहले होगी और इसे मैं धूमधाम से करवाऊंगा। उन कमीनों की बातों से लग रहा है वो दोनों शायद गांव छोड़ के भाग गए होंगे। मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं, अगर वो मिल गए तो पता नहीं क्या कर देंगे। हे भगवान, मेरे जीजा से मेरी बहन को आप ही बचाना अब। अरे ये तो बड़ा ही खड़ूस आदमी है। ए, एक गर्म चाय दे दे यार। अरे वाइट एंड वाइट जाड़िए, हिम्मत है तो मेरे से लड़के दिखा। अरे भाई, वो छोटा बच्चा आपको व्हाइट एंड व्हाइट बोल रहा है, जाड़िया बोल रहा है, कह रहा है कि हिम्मत है तो मेरे साथ लड़के दिखाओ। अबे सुअर, भैंसे, बहरा है क्या तू? अरे भाई, वो आपको सुअर बोल रहा है, भैंसा बोल रहा है, ये सब बातें सुन कैसे सकते हो? भैंसे, डर गया ना? अबे डरपोक जाड़िया, ये खा। अरे कैसे बेशरम आदमी हो, इतना सब बोल रहा है और तुम चुपचाप बैठ के सुन रहे हो। मैं कैसे चुपचाप बैठा हूँ, वैसे आप भी चुपचाप बैठ के बस सुन रहे हैं। क्या बात कर रहा है, हिम्मत है तो आ मेरे साथ लड़ना, डर गया क्या? तुम आदमी हो या कोई फटीचर हो, कब से देखा बस सुने जा रहे हो। वो बच्चा क्या क्या बोले जा रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? रुको, मैं अभी देखो। रुक जाओ, छोड़ो मुझे, मेरी बात छोड़ो मुझे, मैंने कहा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मेरी बात छोड़ो मुझे। अरे रुक, क्या भाग रहा है, जा तो आज छोड़ूंगा। अब मेरी बात कान खोल के सुन, वहाँ चल और उस आदमी से माफी मांग। अगर तूने माफी नहीं मांगी ना तो देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अरे तेरी तो, अरे कहाँ जा रहा गाड़ी में? अरे रुक जा, अबे रुक जा, छोटे शैतान कहीं गया। हाथ में लेके आया हूँ, जल्दी जल्दी ऑपरेशन करके हाइटेड निकाल लो। क्या अबे हाइटेड बोल रहे, ऑपरेशन बोल रहे? अरे छोटू किडनी के ऑपरेशन की बात कर रहा है। किसका किडनी का ऑपरेशन? तेरा। मतलब तुम किडनी चोर गैंग हो क्या? हाँ, लेटा लेटा। अरे अरे चलो, क्या कर रहे हो? चलो डॉक्टर, अरे छोड़ दो, बचाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे ये क्या निकाल रहे हो? अरे भाई छोड़ दो। अरे किडनी तो देते जाओ। आ जाओ, बैठो। जब तुम उस लड़के के पीछे भागे, वो लड़का किसी गाड़ी में चला गया होगा। फिर तुम भी उसके पीछे भागे, तुम भी उसी गाड़ी में चले गए और उसने तुम्हारी किडनी निकाली। सही कह रहे हो, किडनी निकाल ली है। ऑपरेशन सक्सेस हुआ ना? मारूंगा साले, तुझे तो पहले से ही पता था ना, बताया क्यों नहीं? बताया तो था, पिछले हफ्ते मेरी ये वाली किडनी निकाली थी, अभी ये वाले निकालना चाहते थे, इसलिए मुझे आ आ करके बुला रहे थे, लेकिन मैं चुप बैठा था ना। तुमसे हुआ नहीं क्या चुप बैठने को? बड़े हीरो बनना चाहते थे ना, अब निकल गई सारी हीरोगिरी। कितना रोका मैंने तुम्हें, तुमने माना, अब इसमें मैं क्या करूं? अबे चाय वाले, तुझे तो बता देना चाहिए था ना। मैं क्यों बताऊं, पिछले महीने मेरी निकाल ली थी, इसलिए मैंने सोचा अब किसी और की सही। मतलब एक एक करके सबकी किडनी निकाल ली क्या? हाँ। अरे मदुराई तो चटनी के लिए मशहूर है ना, और किडनी के लिए भी मशहूर है क्या? मदुराई तो हर चीज के लिए मशहूर है। अच्छा। हाँ। इतना सा तो बचा है बेटी, पी लो ना। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। अरे सुनो, दास कहाँ है? दास, राजेश्वरी, आओ दास आओ। आओ, ये लो, मुख खोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजेश्वरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई खुशखबरी वाली बात है क्या? इनके निकाह को जमात ने मंजूरी दे दी है। अब्बा, वहाँ और कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? कैसी प्रॉब्लम, तुम्हारी शादी तो मैंने करवाई है, इनकी शादी में तो अल्लाह की मर्जी शामिल है। फिर तो एंथनी दास और राजेश्वरी की राय में भी हूँ तो भी नहीं छोड़ रहे, इससे अच्छा तो मैं कलकत्ता चले जाता। अरे रुको रुको, गाड़ी रोको यहाँ पे, उतर उतर।
चारों तरफ से घेर लिया है। हम लोगों के हाथ में चाकू है, इसलिए चिल्लाना बंद करो और इज्जत से आके गाड़ी में बैठ जाओ, क्योंकि अब मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। चला के बैठ गाड़ी में। अबे तेरे पीछे मेरा आदमी तलवार लेकर खड़ा है, अगर तूने जरा सी भी होशियारी की ना तो वो तुझे खरबूजे की तरह बराबर के दो हिस्सों में काट देगा। अब तो गाड़ी में बैठ जा, आ जा। मैं सब बताता हूँ जीजा जी। उस दिन पुनीता और गुना की शादी में मैं अनजाने में पहुंच गया था जीजा जी। मुझे सच में नहीं पता था कि वहाँ क्या होने वाला है। ये ऐसा क्यों घूर रहे भाई? वो दोनों का है ये पूछ रहे हैं। वो क्या है ना जीजा जी, इस शहर में नसीर नाम का एक लड़का है, उसके घर में जाने की बात कर रहे थे ये दोनों। जीजा जी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, दो दिन पहले उस नसीर की शादी हुई है, हनीमून के बाद ही कुछ कीजिएगा। ए, इस मदुराई के सभी जमात में जाओ, दो दिन पहले नसीर नाम के लड़के की शादी हुई है, उसका पता मुझे आधे घंटे के अंदर चाहिए। इसे खत्म करने के लिए मैंने बड़े इत्मीनान से यह बॉम्ब बनाया है। इस बॉम्ब से इस मिनिस्टर के साथ आए हुए सभी लोग खत्म हो जाएंगे। यह है पूरा मैप। ये रास्ता स्टेज को जाता है। इस स्टेज के रास्ते से सिर्फ मिनिस्टर और उसके आदमी ही गुजरेंगे। यहीं पर तुम लोग बॉम्ब फिट करोगे। ठीक 10:30 बजे मिनिस्टर और उसके आदमी अंदर आएंगे। जैसे रजाक ने बताया, इस बम पर पैर रखकर हटाने से ये ब्लास्ट हो जाएगा और हर तरफ बस खून ही खून और लाशों का ढेर लग जाएगा। इस फंक्शन के सारे डेकोरेशन का काम हमारे बिलाल को मिला है, इसलिए अंदर जाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। कल सुबह लोगों के आने से पहले तुम्हें यह बॉम्ब फिट करना होगा। सलीम जी, जल्दी से यह काम खत्म कर। अच्छा, ऊपर आ जा। ओके ओके। तुम्हारी शादी का जोड़ा यहां आओ बेटी। एक लड़की की जिंदगी में दो ही आदमी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक उसके पिता की और दूसरा उसके पति की। दास तो तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखेगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी को निभाऊंगा। अच्छा बेटी, तुम्हारा जोड़ा। दास, जमात जाने का टाइम हो गया, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, चलो अकड़ बकड़ बॉम्बे बो, जाओ जाके ढूंढो सबको। हेलो। हाँ बोल अनवर। रजाक, तुम लोग अंदर तो पहुंच गए ना? हाँ, बिना टेंशन के अंदर आ गए हैं, जितना सोचा था उससे कम सिक्योरिटी है। ठीक है, एक एक चीज की बराबर खबर देते रहना। हेलो, और मेरी एक और बात सुनो। हेलो 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 हेलो, अब आवाज आ रही है? रजाक सुन रहे हो? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो रजाक, यहाँ सिग्नल काफी कम है। Hello? मैं बाहर निकल के तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है। वाह! अरे नेकलेस तो पहनाओ, कितना सुंदर है ना, अच्छा लग रहा है। अरे दरवाजा खोलो, खोलो जल्दी, दरवाजा खोलो। अरे हमीद, तुझे अंदर किसने बंद किया? हम लोग चोर पुलिस खेल रहे थे, मैं अंदर गया और किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। ऐसा क्या? ठीक है चल। अंकल आपने मक्का देखा है क्या? नहीं। मैं दिखाऊं क्या? कहाँ पर? आइए मेरे साथ आइए। कहाँ ले जा रहा? देखिए मैं दिखाता हूँ। ओहो, इसमें दिखाने वाला है अंकल। ये देखिए, ये है मक्का। हाँ,
और ये मोती ना। ओ हाँ। ला मैं करता हूँ। मैं करता हूँ ना। रुक ना। नहीं नहीं अंकल मैं करता हूँ। अरे करने छोड़ो तो ना मैं करता हूँ ना। हमीद तू बाहर जाके खेल। ठीक है जाता हूँ। हम इस घर में शादी नहीं करेंगे। दास, हेलो, क्या हुआ दास? कुछ कुछ बोल तो सही। अब्बा, दास, अब्बा, दास, क्या हो गया दास? क्या हुआ? हम यहाँ पर शादी नहीं करेंगे। दास, अब निकाह पूरा करने के बाद इस घर में ऐसी क्या गलती हो गई? क्या नसीर, क्या है ये? पता नहीं। हम लोगों की शादी के साथ साथ सैकड़ों लोगों के खून का षड्यंत्र रचा जा रहा है यहाँ पर। कुछ मत बोलिए अब्बा। गांव में कनन ने जाति के नाम पर दो लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया और यहाँ पर मजहब के नाम पर आप कितने लोगों की जाने लेने जा रहे हैं? ना ही मुझे ऐसे घर में शादी करनी है, ना ही ऐसे लोगों का आशीर्वाद चाहिए। दास, दास, मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है। इनके बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। नहीं अब्बा, इस घर में ईमान नहीं है, इस घर में किसी का भरोसा नहीं। इस घर में क्या हो रहा है किसी को पता है? हाँ, तुम में से किसी को पता है? आज मदुराई में 50 जोड़ों की शादी हो रही है। वहीं पर एक मिनिस्टर को मारने के लिए तुम्हारा अनवर उस ग्राउंड में बॉम्ब रख रहा है। या अल्लाह। बॉम्ब के फूटते ही मिनिस्टर ही नहीं, उस ग्राउंड में मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। उसकी पूरी डिटेल इस लैपटॉप में है। हमारी शादी ना हो ये मुझे मंजूर है, लेकिन इतने लोगों की जाने नहीं जाने दूंगा। क्या बात है दास, निकाह पूरा होने से पहले ही लड़की को ले जा रहे हो? ए, तेरे लिए इंसान की जान इतनी सस्ती है? अनवर, दास जो कह रहा है वो सच है? दास, वो लैपटॉप मुझे दे दो। इस घर में तुम मेहमान बनकर आए हो, सिर्फ अपनी शादी के बारे में सोचो। लैपटॉप दो। दास, रहने दो, ये जिहाद है, इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। अनवर, जिहाद के बारे में बात करने का तुझे कोई हक नहीं। जिस दिन तुमने अल्लाह का नाम लेके मासूम लोगों को मारने के बारे में सोचा, उसी दिन तुमने मुसलमान होने का हक गवा दिया। ये सब बंद कर दो अनवर, बंद कर दो ये सब। पुलिस में सरेंडर कर दो। किस लिए अब? किस लिए आप मुझे पुलिस में सरेंडर करने के लिए कह रहे हो? मैं सरेंडर कर दूंगा, लेकिन कितने ही माँ बहन बीवी बच्चों का जो खून बहा है, क्या वो वापस आ सकता है? 3 साल पहले अपनी ज्वेलरी की दुकान पर आपकी बहन और उसके बच्चों को जिंदा जला दिया गया, क्या वो वापस आ सकते हैं? उसी दुकान के बाहर आपको खड़ा करके मेरी आंखों के सामने आपके पैर काट दिए गए, क्या वो वापस आ सकते हैं? बताइए। अब आप चुप क्यों हैं अब्बा? बोलिए ना अब्बा। आप मुझसे कहते कि मैं पुलिस को सरेंडर कर दूं, क्यों करूं अब्बू? या अल्लाह, इंसान की गलतियों को माफ किया जा सकता है, लेकिन अनवर तुम जो गुनाह करने जा रहे हो उस गुनाह को इस्लाम भी माफ नहीं करेगा। भाईजान, अब्बा के साथ जो हुआ वो गलत है, लेकिन इसका बदला उन मासूम लोगों से लोगे जिनकी कोई गलती नहीं। कोई मासूम नहीं है।
दास, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। जानते हो इस घर में अब शैतान रहते हैं दास, तुम उन सभी लोगों को जाके बचा लो। हाँ, तुम्हारी जान की हिफाजत अल्लाह करेगा, वो बहुत बड़ा है, अच्छे इंसानों के साथ वो अच्छा करेगा। जाओ दास, जाओ। अबो, ये फैसला मैंने किया है और इसे अंजाम भी मैं ही दूंगा। मुझे रोकने की कोशिश भी मत कीजिएगा। लाओ लैपटॉप मुझे दो, दो मुझे। करण जी, करण जी सुनिए, नसीर के घर का पता चल गया है। आपकी बेटी उसी के घर में है, हम लोग वहाँ चलते हैं और आपकी बेटी को उठा लेते हैं। गाड़ी निकालो रे।
जिंदगी में पहली बार किसी मर्द से पाला पड़ा है। मैं हार गया, तू जीत गया। हार गया मैं। Hey, साले साहब, आप इसको यहाँ संभालो, तब तक मैं इसकी शादी करवाता हूँ। छोड़ दीजिए मुझे। मैं हार जाऊं और तू जीत जाए, ये कभी नहीं हो सकता। मैंने कभी हारना नहीं सीखा। तू पहला आदमी है जिसने मुझे इतना सताया। मेरी आंखों के सामने तुम लोग अपना घर बसाओगे? हाँ, यही कहा था ना तूने? सुन ले, गौरी गार्डन में 50 शादियां हो रही हैं और उसमें पहली शादी मेरी बेटी की है। मेरी बेटी मेरी बिरादरी में शादी कर रही है। अगर रोक सकता है तो रोक के दिखा, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। मत जाइए। वहां पर मत जाइए, वहां बहुत। ए, उधर नहीं। अरे चल उतर ना। अरे ले जा, चल ना बाबा चल। ये ले, गले में डाल ले इसे, ले। सर रुक जाइए। बारातियों के स्वागत में कोई कम। बाबर, दास आ गया। सर आगे मत बढ़िएगा, कुछ लोगों ने आपको मारने के लिए बॉम्ब लगाया है। क्या बॉम्ब है? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, ये यहाँ कैसे? बॉम्ब कहाँ रखा हुआ है? बॉम्ब Yeah!
कनन जी, तेरी बात सुनिए कनन जी। मेरे पैर के नीचे बॉम्ब है। अगर पैर हटा तो बॉम्ब फट जाएगा, इसलिए सब लोग चले जाओ यहां से। जल्दी भागो भागो। अरे ये सब लोग तो भाग रहे हैं, कहां है मेरे पार्टी के लोग? सांप अगर रहता है तो सब कांपते हैं, लेकिन अगर बम रहता है तो सब भागते हैं। मैं भी यहां से भाग रहा हूं। अरे कमिश्नर साहब, सर आप खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? बॉम्ब स्क्वाड को बुलाइए। ओके सर, कंट्रोल रूम बॉम्ब स्क्वाड भेजो जल्दी। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? काटना था ना मुझे, काट मुझे, काटना आना, काट मुझे। अगर ये पैर हट गया तो सबके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर तेरी जाति मेरी जाति कुछ नहीं बचेगा। अरे रुको रुको, ए कहां जा रही है? अरे ए राजेश्वरी, मत आना यहां पर, रुक जाओ यहां मत आओ। राजेश्वरी वापस जाओ, यहां मत आना, वापस जाओ। राजेश्वरी रुक जाओ, यहां पर मत आओ। राजी तुम यहां पर क्यों आई? जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, अब तुम्हारे साथ ही मरूंगी। सर बॉम्ब लोकेट करना पड़ेगा। अरे क्या लोकेट करना है, लड़का खुद बॉम्ब के ऊपर खड़ा है। सुनो, वो लड़का उस बॉम्ब पर खड़ा हुआ है, अगर उसने पैर हटाया तो बॉम्ब फट जाएगा। यहाँ खड़े रहकर सोचिए मत, जाइए जल्दी। अरे जल्दी जाइए। सर वो एक लैंडमाइन है, उसका कुछ नहीं कर सकते। अनवर तुम यहीं आसपास हो ये मैं जानता हूं, तुमने ये बम रखा है और डिफ्यूज भी तुम ही करोगे। जल्दी सामने आओ। नहीं आओगे? तुम्हारे लिए जिहाद जरूरी है, लेकिन मेरे लिए मेरा दोस्त, मैं भी जा रहा हूं। शायद मेरी मौत से तुम्हारी नफरत कम हो जाए। ये क्या कर रहा है? वापस जा, ऐसा मत कर। यहां दास का प्यार और उसका दोस्त नहीं खड़ा है, यहां हिंदू मुस्लिम और ईसाई खड़े हैं। हमारी मौत से किसे ज्यादा खुशी होती है?
और किसके आंसू निकलते हैं। आज मैं मरने से पहले देखना चाहता हूं। ट्रिगर एंगेज हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकते। ए, क्या कहा? ये बॉम्ब अब डिफ्यूज नहीं होगा, इसे फटने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं होगा ना, तू जा यहाँ से। सुन, चल तू भी जा। अरे तू क्या बोल रहा है? जितना बोल रहा हूँ उतना कर, जा यहाँ से। जा नसीर। दास, दास, दास। राजी। तुम भी जाओ यहां से, जाओ। दास, 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 दास। चलो यहां से। Ugh.